हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 8 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है क्या क्वेश्चन ऑफ द डे कि तियानलियान 201 सैटेलाइट किसके द्वारा, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। तो तियानलियान 01 उपग्रह चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर बनता है ए, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार। ठीक है दोस्तों, कम्युनिकेशन संचार सैटेलाइट है। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? डाटा रिले, मेजरमेंट कंट्रोल, ट्रांसमिशन टू मैंड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, ट्रांसमिशन क्या होती है, जैसे यहाँ से मैंने सिग्नल भेजा और यहाँ पे कोई स्पेस क्राफ्ट इतना दूर जा नहीं सकता, तो रास्ते में ये खड़ा है तो ऐसा सिग्नल पास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कई काम में इसको कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। काजीरंगा नेशनल पार्क, पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब असम की बात आती है तो असम के जो कैपिटल है दिसपुर है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल हैं, वहाँ के जो अभी चल रहे गवर्नर उनका नाम है जगदीश मुखी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भारतीय गिद्ध इंडियन वल्चर IUCN की श्रेणी में कहाँ आता है? तो दोस्तों, भारतीय गिद्ध इंडियन वल्चर IUCN की श्रेणी में क्रिटिकल एंडेंजर में आता है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये गंभीर खतरे में आने वाला इंडियन वल्चर, ये है उसकी फोटो, ठीक है, काला रंग है थोड़ा सा, यहाँ भी सफ़ेद है। और ये इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल के इलाकों में पाया जाता है। 2002 में ये इस कैटेगरी में आया था। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? तो दोस्तों, वो है कि नरेंद्र मोदी को किस देश का सबसे बड़ा सिविलियन नागरिकता अवार्ड मिला है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ जायद। तो ये मिला है UAE का। तो इसका आंसर बनता है सी। अब UAE की बात आती है तो हम चलते हैं वर्ल्ड के नक्शे पे, विश्व के नक्शे पे, देखने UAE कहाँ है। तो दोस्तों, UAE है यहाँ, ये देखिए, ये है UAE। ठीक है दोस्तों, तो इसका मिला है सिविलियन अवार्ड, तो बहुत अच्छी बात है। ये पहले भी कई नेताओं को मिल चुका है, जैसे रशिया के व्लादिमीर पुतिन को, चाइना के जाई जिनपिंग को। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भारत पारदर्शिता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो भारत पारदर्शिता रिपोर्ट लॉन्च की गई गूगल के द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्शन में जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, जो ऐड आती है आपके वहाँ पे, उस ऐड में उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा शेयर राजनीतिक पार्टियों में किसका रहा है? बीजेपी का। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, वो क्या है कि किस देश ने, निम्नलिखित में से किस देश ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनीज को हम फाइन करेंगे, सोशल मीडिया कंपनी को हम फाइन करेंगे कर, ठीक है दोस्तों, उनको हम फाइन करेंगे कितना, कम से कम 10% किसका, जितना वो पूरी दुनिया में कमाते हैं उतना, और उसके जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी हैं, उनको सजा देंगे कम से कम 3 साल की, अगर उनके प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक, इंस्टा, गूगल या कुछ भी, ठीक है दोस्तों, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया वेबसाइट, उसमें वॉयलेंट कंटेंट, वॉयलेंट मतलब हिंसक सामग्री पाई गई तो, ठीक है दोस्तों, तो और उससे ना निपटा गया तो ये किस देश ने किया है? तो इसका आंसर बनता है ए, ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब इतने सख्त कानून बनाने की भारत में भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ऐसी ही गवर्नमेंट होनी चाहिए सरकार में, जो सख्त कानून बनाए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया देखने हैं नक्शे पर। यह भारत, प्यारा भारत, यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, यह है ऑस्ट्रेलिया। वापस चलें तो छठा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि समाचारों में रही मास्ट्रिच्ट संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संधि यूरोपियन यूनियन से संबंधित है दोस्तों, यूरोपियन संघ से। तो इसका आंसर बनता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लें दोस्तों। ये जो मास्ट्रिच्ट ट्रीटी है, ट्रीटी है, संधि है, ये 7 फरवरी 1992 को की गई। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा इस डेट को। ये किस लिए की गई, ये भी याद रख लीजिएगा। ये ट्रीटी नीदरलैंड में की गई यूरोपियन इंटीग्रेशन को, किसको, यूरोपियन इंटीग्रेशन को, यूरोपियन एकीकरण को और बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में विश्व बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो वो बने हैं डेविड मलक। कौन बने हैं? डेविड मलपास। तो इसका आंसर बनता है ए।
अब जो उनके बने हैं वर्ल्ड के प्रेसिडेंट, कौन से प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं डेविड, तो ये है उनकी फोटो। अब हम चलते हैं आगे। अब आठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, अभी समाचारों में रहा है इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप कहाँ रहा है, समाचारों में रहा है, जिसका नाम है इवेंट होरिजन। इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है ब्लैक होल वातावरण का निरीक्षण करें, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लें, ये एक होरिजन टेलीस्कोप एक तरह की दूरबीन होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, एक तरह की दूरबीन होती है, ठीक है दोस्तों, जो कि ग्लोबल रेडियो टेलीस्कोप से जुड़ी होती है, और ये एक बहुत लंबे तरह का एक पूरा का सिस्टम तैयार किया होता है। इसका लक्ष्य क्या है कि जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, ठीक है, कौन से दो ब्लैक होल्स, जिसका एक का नाम है सेगिटेरियस ए, जो कि मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है दोस्तों, उसको ऑब्जर्व करना, और भी कई सैटेलाइट और भी कई ब्लैक होल्स के वातावरण को, एकदम जो वातावरण होता है उसी वक्त का इमीडिएट एनवायरनमेंट, उसको क्या करना, तत्काल वातावरण को नोट करना, ऑब्जर्व करना इसका काम है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अब आता है नौवां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि ग्लोबल कूलिंग कोएलिएशन, ग्लोबल कूलिंग गठबंधन किस देश में हुआ, तो ये हुआ है डेनमार्क में, तो इसका आंसर बनता है ए। अब डेनमार्क भारत दुनिया के नक्शे में कहां, हम देख लें, अब देखिए ये है इंडिया और ये है डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, ये है डेनमार्क। अब हम चलते हैं वापस। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लें, ग्लोबल कूलिंग गठबंधन के बारे में, देखिए ये सबसे फर्स्ट एवर, मतलब जो सबसे पहला स्वच्छ और कुशल शीतल पर पहला वैश्विक गठबंधन, ठीक है दोस्तों, ये हाल ही में डेनमार्क के कोपनहेगन में हुआ है। ठीक है, डेनमार्क के भी कहां हुआ है, कोपनहेगन में, ये भी याद रख लीजिएगा, में 2020-30 एजेंडा, मतलब 2020-30 का जो एजेंडा है, ठीक है, और पेरिस समझौते के बीच सनर्जीज पर आयोजित पहले, मतलब इन दोनों में कहीं ना कहीं एक तरह का अच्छा वातावरण बनाना कि ये मिलके काम कर सके, ठीक है दोस्तों, तो ये सम्मेलन लॉन्च हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ग्लोबल कूल गठबंधन एक एकीकृत मोर्चा है, ठीक है दोस्तों, जो किगली संशोधन, पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई को जोड़ता है, मतलब एक स्टेज पर लाके कहता है कि आप मिलके काम करो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब नौवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि राष्ट्रीय समुद्री दिन 2019 नेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल नहीं, नेशनल मैरीटाइम समुद्री दिन 2019 किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब होता है इसका एम देने के लिए, इसका थीम क्या है, इसका थीम है इंडियन ओशन एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हिंद महासागर अवसर का महासागर है, बिल्कुल सही बात है। तो हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन का डे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे अंतर्राष्ट्रीय है, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है, खदान जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है, इसका थीम या एम जो अभी आपका बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण मानने के लिए थैंक्स करता हूं, और दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, इतना तो बनता है ना कि आप लोग शेयर करो, मुझे लगता है ये शेयर करते हो, चलो कोई बात नहीं जो भी है, चलो ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।